हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक एंड केयर पोके बॉय। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्पूफ पोकेमॉन गो इन नोगट एंड्रॉयड वर्जन। या गाइस, नोगट एंड्रॉयड वर्जन और मास्क पहन लो, कोई भी आपका एंड्रॉयड वर्जन हो उसमें आप उसमें आप स्पूफिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताऊँगा एकदम 110% वर्किंग गाइस, ओके 1000% ही ले लो। मतलब मैं क्या श्योर नहीं हूँ, हर किसी के मोबाइल में सपोर्ट ले सकता है, मतलब हर किसी के मोबाइल में स्पूफिंग हो सकती है, हर किसी में नहीं हो सकती है। तो मैं पहले बता सकता हूँ भाई लोग कि अगर आपका नोगट है या मार्शमेलो एंड्रॉयड वर्जन है तो आप स्पूफिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको स्पूफिंग करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आप जानते नहीं हो कि नोगट और मार्शमेलो होते क्या हैं। तो गाइस, नोगट और मार्शमेलो के एंड्रॉयड वर्जन होते हैं, जैसे कि हर एक चीज़ की वर्जन होती है, मोबाइल के भी एक वर्जन होती है, उसी वर्जन का एक नेम है नोगट। सो आपको अपना एंड्रॉयड वर्जन चेक करने के लिए अबाउट फोन में जाना चाहिए। एंड अबाउट फोन में जाकर देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1। इसमें आप टैप करिए 4-5 times तो देखेंगे एंड मीन्स नोगट एंड मार्शमेलो एम लिखा रहेगा एम, ओके। सो मैं वीडियो थोड़ी जल्दी बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए ताकि आप समझ जाएँ। मैं आपको बताऊं कि नोगट में कैसे कर सकते हैं, या और भी कुछ हो, अगर लॉलीपॉप का हो, किटकैट हो, जो भी हो यार चलेगा, उसमें भी आप स्पूफिंग करके एक बार देख लीजिए। अगर कर काम किया तो कमेंट कर देना। और हाँ यार, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा है मेरी, तो प्लीज़ कोई ऐसे कोई अजीब सा नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ यार इग्नोर करो नॉइज़ को, एंड प्लीज़ आप मेरी बातों में फोकस करो, ओके। सो सिंपली भाई, आपको करना क्या है यार, आपको पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर में, एंड ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ यार, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आप डिपेंड करते हो मोबाइल पे, अगर आप डिपेंड करते हो, हाँ ये वीवो है, वीवो मतलब अगर हाँ ये मोटो है तो मोटो में स्पूफ होगा, तो वीवो में स्पूफ नहीं होगा, एमआई में स्पूफ नहीं होगा। गाइस, आप अगर मोबाइल में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मोबाइल के भरोसे हो, तो भाई प्लीज़ पहले ये जान लो कि स्पूफिंग मोबाइल से मतलब मोबाइल पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। स्पूफिंग मोबाइल पे डिपेंड नहीं करता है, स्पूफिंग एंड्रॉयड वर्जन पे डिपेंड करता है। वो आप FGL Pro इंस्टॉल करने लगाए, पर मेरी मानो तो यार FGL Pro ही बेस्ट ऐप है ये सब स्पूफिंग के लिए, ओके। तो FGL Pro आप फ्रीली इंस्टॉल कर लेना गाइस, एंड FGL Pro इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा गाइस, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, डाउनग्रेड रोम, ठीक है। तो ये सब आपको स्टेप करने पड़ेंगे तब ये वर्क करेगा, ठीक है। ये सब कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे तब ये वर्क करेगा, ठीक है। तो वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ओके। तो सिंपली आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है। तो मैंने पहले ही बोल दिया यार कि अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करो यार, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो पे फोकस करो, एंड वीडियो के एंड तक देखो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो मेरे चैनल, ओके। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऑटो अपडेट ऐप्स, तो उसको कर देना है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, ओके। इसके बाद डन कर देना है, एंड फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें आपको जो फाइंड माई डिवाइस रहेगा उसको डीएक्टिवेट कर देना है, जो कि वो एक्टिवेट रहेगा उसमें टिक रहेगा, तो उसको डीएक्टिवेट कर दीजिएगा ताकि हमारा स्पूफिंग में जो इधर से उधर हमारा लोकेशन हिले ना, ठीक है। सो इतना स्टेप करने के बाद गाइस आपको जाना है एप्लीकेशंस में, ओके। सो गो टू द एप्स, एंड गाइस वी डन द ऑल स्टेप्स गाइस, सो वी गेट नोटिफिकेशन ऑफ डिसेबल द गूगल प्ले सर्विस, ओके। सो ये सब जो भी मैंने अभी दोनों स्टेप बताए, ये दोनों स्टेप करने के बाद आपको गूगल प्ले सर्विस डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले आपको डिसेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है, और याद रहे डिसेबल करने से पहले आपको अपना गूगल प्ले सर्विस का एक ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो गूगल प्ले सर्विस का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले सर्विस के वर्जन के हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट 040306 फिर डैश, ठीक है। तो इतने में मेरे में जो ये शुरुआत जो ये नंबर आ रहा है 0403602 ये मेरा गूगल पे सर्विस, ठीक है, 12.6.85 फिर ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है डैश तक, उतने तक एक बार एक देख लीजिए। अगर आपको हाँ गूगल पे सर्विस उस तरह मिल जाता है तो आप इजीली यार उसे आप मंगा के आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ओके।
मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देख लीजिए, ये जो मेरे गूगल पे सर्विस, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी जस्ट वेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो एपीके मिरर आपको जाना है वहाँ से डाउन कर लेना गूगल पे सर्विस। मेरे गूगल पे सर्विस 12.6.85 और 040360-, तो यहाँ पे देखिए बता दिया है 040-040306-, मतलब इतने में ये जो आपका गूगल पे सर्विस वर्जन है, इस तरह को डाउन कर लेना आपके अपने आपके वर्जन से हिसाब से यार, ठीक है। तो अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बहुत अच्छा भाई, आप डाउन कर लो, ठीक है, मिल जाएगा आपको इस तरह पीके मिरर में, एंड डाउन कर लेना यार, एंड डाउन करने के बाद डन कर देना, ठीक है। और उसके बाद आप यार गूगल प्ले सर्विस जो है डिसेबल मार सकते हो, ठीक है। तो और एक बात याद रखना, गूगल पे सर्विस डिसेबल मारने के बाद आपका कोई भी गूगल का एप्लीकेशन आई वर्क नहीं कर पाएगा, ना ही आपका गूगल पे स्टोर चलेगा, क्रोम आई थिंक क्रोम चल जाएगा, वो ब्राउज़र है, ठीक है, तो गूगल यूट्यूब वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। तो गूगल से जो रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे आई थिंक वो नहीं चलेंगे, वो क्योंकि गूगल पे सर्विस आपका उस समय अपडेट नहीं होगा। तो विदाउट अपडेट गाइस कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन आएगा अपडेट गूगल पे सर्विस, ठीक है। तो वो सब आप हटा के आप वो जो इंस्टॉल किए हुए हैं उसको डन इंस्टॉल करके डन मार देना है, इंस्टॉल करके डन मार देना है। उसके बाद क्या होगा गाइस, अगर आपका जो एप्लीकेशन जो अपडेट्स रहेंगे, जो एप्लीकेशन आपके अपडेट रहेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लिया यूट्यूब, तो यूट्यूब अगर आपका ऑलरेडी अपडेट रहेगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका गूगल पे सर्विस ओल्ड वर्जन है एंड यूट्यूब आपका अपडेट वर्जन है, तो कैसे सपोर्ट कर पाएगा। तो उसके लिए आपको यूट्यूब को भी डिसेबल कर देना पड़ेगा, जिससे आपका इसका जो यूट्यूब का जो अपडेट रहेगा वो डिसेबल हो जाएगा और ये यूट्यूब हमारा ओल्ड वर्जन में आ जाएगा, ठीक है, ओल्ड वर्जन में हमारा यूट्यूब आ जाएगा। जैसे आप चाहे देख सकते हैं, ये मेरा ओल्ड वर्जन यूट्यूब है और इसमें आपको ओल्ड वर्जन यूट्यूब सपोर्ट लेगा इस तरह गूगल पे सर्विस में। और एक बात गाइस, हाँ, अगर आपका देखो ये सब और स्टेप डन करने के बाद अगर आपका गूगल पे सर्विस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है गाइस, अगर आपका गूगल पे सर्विस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है डू नॉट ऑटो अपडेट करने के बावजूद भी, तो प्लीज़ यार गूगल पे सर्विस सॉरी गूगल पे स्टोर को डिसेबल मार दो, क्योंकि गूगल पे स्टोर डिसेबल मार दोगे तो कैसे ना ही गूगल पे सर्विस खुद अपडेट हो पाएगा और आपका पोकेमॉन को भी अच्छा से चलने लगेगा। मतलब अगर आपका अपने यहाँ फिर मतलब डू नॉट ऑप्ट टू अपडेट करने के बाद भी अगर आपका गूगल पे सर्विस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है तो गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल मार देना, ठीक है। अगर और आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए तो यार आप क्रोम से भी मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल आप मार देगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है आपको। तो बस इतना ही करना है यार, उसके बाद आप पॉकमोन को एकदम पानी की तरह खेल सकते हैं यार, अब मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं ये पैरस मॉल है एंड मैंने आपको स्कूटिंग करके दिखा भी रहा हूँ, एंड ये नोगट है गाइस, मैंने बता भी दिया ये नोगट है, मैंने दिखा भी दिया, तो मार्च मेले में भी हो जाएगा ये, मार्च मेले में भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अभी ये नोगट फोन मिला है तो मैं सोच के चलो आपको बता भी दूँ कैसे स्कूटिंग करते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तब तक के लिए नई वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक मार दीजिएगा, ओके। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन माय न्यू लेटेस्ट एंड अपडेट वीडियो, ओके। तो यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, एंड पॉपकॉर्न को प्लेयर हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब मार दें, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे हर एक वीडियो पॉपकॉर्न को से रिलेटेड है, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड तब तक के लिए गाइस बाय, मिलता हूँ नए वीडियो में, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड स्पूफिंग, ठीक है, स्पूफिंग होम चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बात लास्ट में बता देता हूँ, अगर आप मोबाइल पर डिपेंडेंट करते हो यार कि एमआई में होता लावा में होता है तो एमआई में नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, आपका एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से ये डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट टाइम मैं ओरियो पर बनाऊँगा, ठीक है, ओरियो पर स्पूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय।